और इधर देख सकते हैं जी अपना लगवा रही है मेहंदी और साथ में उधर रितु भी। पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं रितु की पहली वट सावित्री का ब्लॉग। तो पूरा सामान देख सकते हैं जी यहाँ पर पैक हो गया है और अभी बज रहे हैं शाम के 7:05 और क्रियांश जो है अभी दादी के पास भी नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इसको है कि घूमना है। हमें जाएगा जा क्रियांश नहीं जाएगा। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। The next day. क्रियांश की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। क्रियांश नानी घर आ गया था और बहुत थक गया था, सो गया। हाँ क्रियांश, रात में मम्मी एक बार हिला तक नहीं है। एक बेर ने पैर बने घूम कर घूम घूम कर बच्चा एक बेर ने रो एक बेर ने कानन बोला। ऐसा नींद आया था। उठ जाओ सुगी सुगी, गुड मॉर्निंग। कुछ दे दो एक। जय जय भाई भी आया। रितु दीदी कहाँ है? यहाँ नहीं है रितु दीदी। गुड मॉर्निंग। हमारी दादी मम्मी बैठ के गप्पे कर रही हैं। हाँ बाबू सही बात है। दादी हरियाली कर रही है हमारी। अब हम नहीं जाते कोई काम नहीं कर पाते। वही कह रहे हैं आप नहीं रहिएगा बुआ जी, आप घर से नहीं बोल रहे। वही तो सही बात है। हमारी मम्मी गप्पे कर करके आ रही है। A few moments later. तो यहाँ पे होगा वट सावित्री की पूजा और उधर देख सकते हैं, उधर होती है काली पूजा। इधर देख सकते हैं कितने सारे कटहल हैं पेड़ में। और उधर क्रियांश जो एकदम मजे में घूम रहा है। ए क्रियांश, मौसी के साथ मामा के साथ घूम रहे हो? मामू बाबू घूम रहा है लेकिन नहीं आ जिया। घूम घूमी घूमी कर ले। अबे ठीक ठीक है। घूमी घूमी चल रही है आपकी? बताओ घूमी घूमी चल रही है आपकी? हम और मम्मी जा रहे हैं अभी घूमने। दादी ले जाएंगे घूमने के लिए हमको बहुत जगह। और यहाँ पे इतने सारे लीची हैं। ये है ऐसा पार्टू है जो मेरे नानी घर में होता है, हमको बहुत बहुत पसंद है ये, बहुत ज्यादा। जब भी हम जाते थे ना मेरी नानी मेरे लिए तोड़ के रखती थी बहुत सारा। नानी घर में होता है ये, तुम्हारी बुआ घर में होता है? बुआ घर मायके 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 घर हुआ। बुआ घर तो मेरा हुआ। हम कटिहार में इसको खरीद खरीद के खाते हैं। इसको वैसे चीकू भी कहते हैं। चीकू नानी घर में सपाटू कहते हैं। अपना ऐठा सपाटू बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत मीठा मीठा होता है। हम तो खाएंगे। आम कितना आया हुआ, इसमें लीची अभी पका नहीं है, हरा हरा है। हम सभी जा रहे घूमने, रितु भी हमारे साथ। तो फाइनली जी पहुंच गए हैं अपने भाई के ससुराल और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। हाँ जी इतना हम सोए हैं पूछिए मत, खूब सोए हैं, इतनी नींद आई है। और जब अच्छे से सो गए हैं तब लग रहा है कि हाँ शरीर में कुछ जान आई है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो है हो क्या रहा था कि मुश्किल से 3-4 घंटे तो भूल ही जाइए, 2.5 घंटे 3 घंटे इसी तरह का नींद होता था। तो अभी आ गए हैं रितु का जो घर है उसके पास में जो यह बगीचा है वहीं पर आ गए हैं। और अपना ब्रश लाना भूल गए थे तो यहाँ अपना नेचुरल ब्रश मिल गया, यह दतवन। तो दतवन करते हैं फिर उसके बाद नाश्ता पानी कुछ करते हैं। तो बगीचे का जो है कुछ ऐसा नजारा है, देख सकते हैं बहुत सारी बकरी गाय ये सब आ गए हैं यहाँ पर चढ़ने। तो हमारा हो गया जी दतवन किया हुआ और आ गए हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। इधर हमारा नाश्ता चल रहा है और उधर क्या चल रहा है दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं जी अपना लगवा रही है मेहंदी और साथ में उधर रितु भी। कल ही लगवाना चाहिए था। हाँ हाँ कल टाइम नहीं मिला ना। बिल्कुल अच्छे ठीक है। तो ये तो मेहंदी लगा रही है, इसको फीस भी तो बनता है फिर। हाँ। क्या फीस बनता है बाबू? तो यहाँ खाने में जी लगा है गरम गरम भटोरे, उधर लग गया है छोले, तो सभी खा रहे हैं। और भटोरा काफी अच्छा बना हुआ है, भटोरा देख सकते हैं एकदम पतला लेयर का है और एकदम अच्छे से फुला हुआ है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, जल्दी से खत्म करते हैं। तो उधर हमारा नाश्ता पानी हो गया जी और हम आ रहे थे इधर, तो देखिए कि यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारी है। तो सारी फलों को काटा जा रहा है। और बताइए ये दादी और क्या होने वाला है आगे? बर के गाँव के पास। हाँ पंडित जी आए थे, कहाँ गए पंडित जी? बैठे हुए हैं। अच्छा पंडित जी पहले ही आ गए थोड़ा क्या, या यहाँ लेट हो गया है? यही लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं। ओए क्रियांश, क्रियांश अपनी दादी के साथ नहा रहा है, खूब मन लग रहा है, खूब मजा आ रहा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, पूजा के लिए बन रहा है प्रसाद। तो इधर ठेकुआ का जो है लगभग हो चुका है और उधर फ्राई भी होगा। और बताइए आपको किस चीज से रोक दिया गया? उधर फ्राई भी हो रहा है। अच्छा ठेकुआ चल रहा है, देखे बहुत बढ़िया। एक बार चढ़ने दीजिए, उसके बाद टेस्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक बार चढ़ने देते हैं प्रसाद में। तो क्रियांश यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले क्रियांश ही नहाया है, मम्मी पापा अभी तक नहीं नहाए हुए हैं। तो पहले मम्मी जाएगी। हाँ, चाय का कप छीन के बोलता है ताई। वाह, और जैसे ही मेरे पास आया मेरे हाथ में डिस्पोजल था, तुरंत हाथ से ले लिया ये। कोई क्रियांश देख रहे हैं उनको। सुनो ऐसा करो, कहीं इसको पकड़ो। हम जा रहे नहाने। नहाने जाता हूँ। संसार या जहाँ भी वट सावित्री की पूजा होती है, सभी सुहागन को भगवान हमेशा सुहाग दिया, वट सावित्री नसीब हो। एक बात है, आज हम अकेले पूजा किए हैं। मेरे दोनों बहू अपने मायके में है और मेरी बहन भी उसके साथ किसला अकेला है। फिर भी उन लोग आशीर्वाद देते हैं कि भगवान हमेशा सीता रखे, वट सावित्री नसीब। तो हमारा नहाना हो गया जी, और देख सकते हैं पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। वहाँ मंडप भी सज चुका है और पंडित जी भी आ चुके हैं। बस कौन नहीं आया है, जितने भी महिलाएं हैं जानते हैं जी, जहाँ भी महिलाएं रहे उनको थोड़ा तैयार होने में समय नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। ऐसा ही हुआ था क्रियांश के जन्मदिन में। क्या हुआ था कि हमारा टाइम था केक काटने का 7:30 से 8 बजे के बीच में था कि हम लोग केक काट देंगे, लेकिन हमारी जितनी भी महिलाएं थी उसमें तैयारी नहीं हुई थी। घर से फोन आ रहा था कि कहाँ है सभी लोग, हम क्या बताएं कि अभी तो मेकअप शुरू ही हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके जो वहाँ लगभग 1-2 घंटे का लेट हो गया, जिसकी वजह से जो है इतनी भीड़ लग गई वहाँ पर, क्योंकि 9 बजे जो है पीक टाइम होता है किसी भी फंक्शन का, तो अच्छे खासे लोग आ चुके थे। गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नेवज्ञानी नमो पक्षी भट्ट सावित्री अमावास्यायां तिथो शुभ पूर्ण तिथो भारद्वाज गोत्राया नाम लाल नमो बट प्रियाये नमः, नमो कमल पाताक्षी नमः। तो यहाँ पर जी धीरे धीरे गांव के सभी लोग आ रहे हैं, जितने भी रिलेटिव हैं और गांव के सभी लोग। तो देख सकते हैं जी, आपने जिया का तो देखा ही था वट सावित्री का ब्लॉग। अब आपको दिखाते हैं ऋतु की पहली वट सावित्री का ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग को तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और उम्मीद करते हैं यह भी ब्लॉग आपको उतना ही पसंद आएगा। नमो ब्राह्मण
कतेक बुझा हम कहलौ गौरी ल सुंदर बर लायबन गौरी हमार छथिन कान सन पातर शिवजी उसठ बुझाबई वही ठड़ा खा ना करो ना वही ठड़ा खा Thank you.